पास उसमें इक्वालिटी लग जाती थी, यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो अगर उसने बोला है कि मिनिमम इतना ही होना चाहिए, तो मिनिमम का मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। जैसे मैं बोल दूं कि एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है वो, एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है वो 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। या मैं बोल दूं वाई की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 7 है, तो इसका मतलब है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसे करके वर्डिंग इसमें आने वाली है, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन एक करेंगे तो ज़्यादा आइडिया होगा। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राजीव नीड्स अ मिनिमम ऑफ 360 मार्क्स। देखो ये मिनिमम वर्ड आ गया ना, तो समझ में आ जाएगा हमको। मिनिमम ऑफ 360 मार्क्स इन 4 टेस्ट इन अ मैथमेटिक्स। टू ऑप्टेन ए ग्रेड लाने के लिए मिनिमम उसको 360 मार्क्स की ज़रूरत है। फिर उसके बाद क्या है, ऑन हिज फर्स्ट 3 टेस्ट ही स्कोर्ड 88.96, 79 मार्क्स। व्हाट शुड हिज स्कोर टू बी इन फोर्थ? व्हाट शुड हिज स्कोर बी इन द फोर्थ? फोर्थ टेस्ट सो दैट ही कैन मेक एन ए ग्रेड, सो दैट ही कैन मेक एन ए ग्रेड। तो जितना लिखने में टाइम लगा उससे जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, उससे जल्दी ये सॉल्व होने वाला है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझ में शायद आ गया होगा लिखते लिखते ही किसमें करना क्या है हमको। इसने बोला है कि राजीव एक है, उसको मिनिमम जो है वो 360 मार्क्स चाहिए। 4 टेस्ट में 3 में इतने मार्क्स उसके आ चुके हैं, तो चौथे में कितने आने चाहिए? तो क्या करेंगे, तीनों को प्लस करके एक को एक्स लेट कर लेंगे और फिर सबका सम जो है वो 360 की इक्वल कर देंगे। बस यहाँ पर इक्वालिटी सिर्फ नहीं आएगी, इक्वालिटी के साथ इनइक्वालिटी भी आएगी। तो अब तुम बताओगे कि यहाँ पर मिनिमम आएगा मतलब ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा जब हम प्लस करेंगे, या लेस देन और इक्वल टू आएगा? तो लेट सर करेंगे, 97 और अबव। हाँ बिल्कुल सही है, 97 और अबव हो जाएगा। लेट द मार्क ऑब्टेन बाय राजीव इन 4 टेस्ट। लिखने का मेथड पूरा एक क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं। लेट मार्क्स ऑब्टेन बाय राजीव इन 4 टेस्ट इक्वल टू एक्स। तो अब उसमें क्या बोला है कि पहले टेस्ट में 88 आ गए, दूसरे में 96, तीसरे में 79, चौथे में एक्स। यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 360 आएगा, क्योंकि उसने बोला है ना मिनिमम। मिनिमम का मतलब है इतने तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं। मिनिमम का मतलब उसका बॉटम 360 पे रुका हुआ है, उसके नीचे नहीं जा सकते आप। तो 360 तो चाहिए ही चाहिए, अगर उसके ऊपर चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसी में से इनको सबको प्लस करके माइनस कर देंगे। एक्स ग्रेटर देन 360 माइनस 88 माइनस 96 माइनस 79,
तो इन्होंने निकाल दिया इसका आंसर एक्स ग्रेटर देन ये 97 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे बाकी लोग भी, वैसे करेक्ट है ये आंसर। तो राजीव के ओके हाँ 97 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आते हैं तो वो ए ग्रेड में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही ना? अगर 97 से कम आ गए तो फिर उसके 360 से कम हो जाएंगे, और 360 से कम हो गए तो फिर वो ए ग्रेड में तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, 10th 9th लेवल के, बस इनइक्वालिटी यहाँ पर आ गई है। ओके लिख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, एंड द थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें आप। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 39 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो जिसको पूछता है उसको हम एक्स लेट कर सकते हैं या ए बी सी कुछ भी लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको एक्स के टर्म में भी निकाल सकते हो, नहीं तो ए बी सी मान लो, कैसे भी करके आंसर सही आना चाहिए बस। सर, लॉन्गेस्ट साइड इज स्मॉलर देन इक्वल टू 18। स्मॉलर देन और इक्वल टू, चेक करो। एटीन या 18 से कम होनी चाहिए ना, ये कह रहे हो? सर एटलीस्ट जहाँ पर वर्ड आया है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या, कौन सा साइन लगाया तुमने, ग्रेटर देन और इक्वल टू की लेस देन और इक्वल टू? एटलीस्ट जहाँ पर आया है, एटलीस्ट एटलीस्ट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की लेस देन और इक्वल टू? मिनिमम वैल्यू 39 होगी, उससे ज्यादा ना हो सकती है। तो मतलब जो तीनों का सम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 होगा कि लेस देन और इक्वल टू 39? लेस देन इक्वल टू। अच्छा, तुम कह रहे हो कि वो 39 से बड़ा होना चाहिए या 39 होना चाहिए, और नहीं सर, नहीं सर, बाद में उल्टा पुल्टा ही बता रहे हो, क्या कर रहे हो?
मिल गई। मिल गई तो ऐसे ढूंढो फिर, ऐसे गलती करो ही नहीं, मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया। लॉन्गेस्ट साइड जो है वो ए बी सी करके भी लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैंने ए बी सी कर लिया, वैसे एक्स करके भी लेट कर सकते हैं, सब में रिलेशन मिल जाएगा। तो चलो हमने तीनों साइड को ही लेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ए है वो सबसे बड़ी साइड है ऐसा हम मान लेते हैं, ए जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, और जो सी है वो शॉर्टेस्ट साइड है, ऐसा मान लेते हैं। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, टू सी के इक्वल, एक इक्वेशन। फिर कह रहा है एंड द थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड का मतलब बी हो गई, ए और सी की बात तो हो गई, तो जो बी बची हुई है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड यानी कि सी से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लिखा है ना, द लॉन्गेस्ट साइड द एंड द थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड से 3 ज़्यादा है तो प्लस कर दिया यहाँ पे। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो 39 से कम नहीं होना चाहिए, 39 हो या उससे ज़्यादा हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम उसकी वैल्यू 39 है, उल्टा हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, उल्टा मामला चलता है, जहाँ पर लीस्ट आएगा वहाँ ग्रेटर का साइन आएगा, और जहाँ मोस्ट आएगा वहाँ पर लेस का साइन आएगा। इस बात का खास ध्यान रखें, गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर पी जो है पेरीमीटर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 है, तो तीनों का जो सम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 हो गया। ए की जगह पे ए रख दिया, बी की वैल्यू है, अच्छा यहाँ पर एक काम और भी कर सकते थे कि यहाँ पर बी की वैल्यू सी प्लस 3 आई है, तो ए की वैल्यू तो 2c रख देंगे, बी की जगह पे क्या रख दें, बी की जगह पे सी प्लस 3 रख देंगे और सी की जगह पे सी रख देंगे, ये भी सही बात है। तो एक काम करते हैं, ए की जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे 2c रख दो, तो ए की जगह पे 2c, बी की जगह पे सी प्लस 3, ए की जगह पे 2c, बी की जगह पे सी प्लस 3, और सी की जगह पे भी सी आ गया। तो इसका मतलब ये 39 हो गया, ये तो कितना हो गया, ये 4c प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 39, तो ये हो गया 4c, 36 हो गया। तो c जो हो गया वो ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है, सर। तो 4c इतना हो गया, तो c ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 हो गया। अब इसने तो c के बारे में बता दिया कि c 9 हो गया, बस उसने कहा था फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, तो उसने c की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने a के बारे में पूछा हुआ है, तो a इक्वल टू 2c है। तो a जो है, अगर a जो है वो 2c के इक्वल है, तो एक सी की वैल्यू 9 रख दोगे, तो ए जो है ये सी की जगह पे अगर यहाँ 9 रख देंगे, तो सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है, तो 2c ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और 2c किसकी इक्वल है, ए, तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो ये हमारा, और ये इतना बड़ा काम करना पड़ा इसलिए, नहीं तो ये तो दो लाइन में ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगर हम चाहें तो दो लाइन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी किसी को, बहुत इजी सा काम है, 10th लेवल का ही काम चल रहा है, कुछ नया काम नहीं है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड
बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10, greater than 10 such that their sum is less than 50, such that their sum is less than 50, 50. करो और इसका आंसर भी बताओ फिर. फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. ऐसे सारे पेयर बताने हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर के, जिनका अगर वो जो है वो दोनों ग्रेटर देन 10 होने चाहिए और उसके बाद उनका सम जो है वो 50 से कम होना चाहिए. सर सिक्स स्क्वायर कौन कौन से हैं बेटा? सर 12 और 36. 12 और 36. यस सर. सर अच्छा सर सॉरी कॉन्सिक्यूटिव सर 5 सर 5 है. कौन कौन से सर? 12, 14, 16, 18, 20 और 20, 22. और 22, 24 नहीं है सर? वो भी हो गया. तुम क्यों ऐसा काम कर रहे हो? चलिए ठीक है, बताता हूँ मैं कैसे आ गया इनका भाई. फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए और इंटीजर चाहिए. तो हमने लेट कर लिया कि जो फर्स्ट वाला है इंटीजर, फर्स्ट इवन इंटीजर जो है वो एक्स है. तो दूसरा वाला जो सेकेंड वाला होगा वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर है तो एक्स प्लस टू होगा, क्योंकि एक अगर एक्स लेट करोगे तो दूसरा एक्स प्लस टू होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो दूसरा 6 आएगा, 1 के 6 रखोगे तो 8 आएगा. तो इस तरीके से दो इवन इंटीजर हमने लेट कर लिए. फिर कह रहा है कि बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10. एक कंडीशन हो गई कि x भी 10 से बड़ा होना चाहिए और x प्लस 2 भी 10 से बड़ा होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 8 आ जाएगी. यहाँ से 10 आ गई, यहाँ से 8 आ गई. 8 से बड़ी होनी चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए. और तीसरी चीज़ वो कह रहा है कि जो उनका सम है, देयर सम इज़ लेस देन 50. दोनों का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू, नहीं उसने बोला है लेस देन 50 होना चाहिए, तो लेस देन 50 ले लिया हमने, क्योंकि उसने इक्वालिटी नहीं बोला है, लेस देन 50 बोला है. तो ये हो गया 2x लेस देन 40 है, 2 को उधर भेज दिया तो x लेस देन 24 आ गया. x की वैल्यू 24 से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा होनी चाहिए. तो इन दोनों में से कॉमन सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 8 से भी ज़्यादा, जो तीन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा. x की वैल्यू एक तो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये अगर मान लिया यहाँ पे ये ओरिजिन था और यहाँ पर
ये 10 है, ये 0 है, तो कह रहा है एक 10 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू एक 10 से बड़ी होनी चाहिए, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस, तो एक कह रहा है कि x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, और एक कह रहा है उसकी वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा, तो यानी कि 10 से बड़ी होनी चाहिए, इन दोनों को जब मर्ज कराओगे तो दोनों से क्या मिल जाएगा कि x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए और एक आ गया x की वैल्यू 24 से छोटी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी हो गई और 24 से छोटी हो गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पेयर भी ढूंढने हैं, तो क्या हम 10 को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि 10 में इक्वालिटी नहीं है, तो 10 के आगे वाला जो है वो x की वैल्यू क्या क्या होंगी वो पहले लिख लेते हैं, तो एक तो 12 होगी, फिर 2 2 ऐड करते जाओ, 12 14 16 18 20 और 22, 24 नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, और 10 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, तो जो x प्लस 2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 ऐड करते जाओ, 14 16 18 20 22 24, तो हमारे पास जो पेयर बनने वाले हैं, पेयर्स जो बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक 12 का 14 के साथ, 14 का 16 के साथ, 16 का 18 के साथ बन जाएगा, 18 का 20 के साथ, 20 का 22 के साथ और 22 का 24 के साथ, इसके आगे नहीं जा सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सर वो 24 कैसे आ सकता है? वो x प्लस 2 है, x नहीं है। ओके 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है, अ सॉल्यूशन इज टू केप्ट बिटवीन degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range of temperature in degree Celsius डिग्री सेल्सियस को सी से डिनोट करेंगे, फॉरेनहाइट को एफ से डिनोट करेंगे, कोई कन्वर्जन होता है क्या इसका, किसी को याद है क्या? हाँ सर, कुछ 9/30 को ऐसा सर, 9/5c प्लस 32 इक्वल्स टू एफ, 9/5c प्लस 32 इज इक्वल्स टू एफ, फॉर्मूला इज गिवन बाय, वैसे ये क्वेश्चन में गिवन था, एफ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। चलो इसको भी सॉल्व करो, ये तो बहुत ही इजी है, अभी में से जितने भी दिए उनमें सब में इजी है। ये कह रहा है कि सेल्सियस यानी सी का जो है हमको रेंज बताना है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जबकि फॉरेनहाइट कन्वर्जन सेल्सियस के साथ दिया हुआ है, एफ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। सर 20 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में। ओके करेक्ट, गुड, इजी है ये तो।
कर लिया सभी ने कि नहीं? अरे भाई फॉरेनहाइट का जो दिया हुआ है सॉल्यूशन इज द इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फॉरेनहाइट टू 77, तो एफ की रेंज दी हुई है 68 से लेकर 77 के मिड में होना चाहिए। ये उसने ऐसा बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब उसके बाद एफ की वैल्यू रख देते हैं 9/5c+32 ग्रेटर देन 68 लेस देन 77। 32 को उधर जाके माइनस करा देते हैं, 68 माइनस 32, 77 माइनस 32, तो ये कितना आ जाएगा, 8 - 2 = 36 आ जाएगा ये, और ये 9/5c, और ये कितना आ गया 7 - 2 = 5, 7 - 3 तो अब c कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 9/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 बाय, ये 9/5 नहीं 5/9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 × 5/9, और यहाँ पर भी 45 × 5/9, तो 9 4 जा और 9 5 जा सॉरी और 9 4 जा, तो ये 4 5 जा 20 c, और ये 25। बात क्लियर है सभी को? इजी था ये तो एकदम। चलिए एक और करते हैं, इसी सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उनमें से तो बहुत इजी इजी से थे, उनके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत रेयर रहते हैं। ये 4 हो गया, लेकिन जो अब हम करने जा रहे हैं 2 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, उनके आने के चांसेस इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो वही दोनों के आने के चांसेस होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों जो करने जा रहे हैं हम, इस चैप्टर से यही दोनों के बनने के चांसेस होते हैं मोस्टली। अगर आप देखोगे तो हर एक में यही वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए होंगे, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, लिखते हैं एक बार, तुम ट्राई करोगे फिर मैं बताऊँगा इसको। अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख के 2 क्वेश्चन है, इन्हीं के चांसेस होते हैं, क्योंकि जिनमें भी थोड़ा दिमाग लगता है, जिनको हम एक बार में नहीं समझ पाते हैं, जिनको करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, वही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्कूल वाले भी जानते हैं किसी में फंसेंगे ये, तो ये दोनों हमें बिल्कुल एकदम रट लेने हैं, एक ये और एक इसके बाद वाला। अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड इज टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। लिख लेते हैं फिर बात करेंगे क्या कह रहा है ये कहानी। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू हैव द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू हैव मोर देन 4% मोर देन 4% बट लेस देन 6% मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड इफ वी हैव सिक्स फोर्टी लीटर ऑफ द 8% सोल्यूशन 640 लीटर ऑफ द 8% सोल्यूशन हाउ मैनी लीटर ऑफ
हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड. एक बार आप इसको आराम से समझ लें, पढ़ लें कि क्या कह रहा है. और ये एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक में है ये क्वेश्चन, मिसलिनियस में मिलेगा. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जिसकी जिसकी बात कर रहा है उसको जरा देख लेते हैं. 8% कुछ समझ में आ रहा है, कर रहे हो क्या ट्राई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं बताऊं मैं. 8% बोरिक एसिड है, उसके साथ हमें 2% बोरिक एसिड को ऐड करना है. कितना ऐड करना है यही पूछा है उसने. व्हाट हाउ मैनी लीटर ऑफ 2% ऑफ सोल्यूशन, मतलब 2% वाले को हमको एक्सलेट करना पड़ेगा. यही तो बोला है ना उसने, हाउ मैनी लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड. तो एक तो ये है, और 8% जो बोरिक एसिड है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 640 है. ये लिखा है 8% बोरिक एसिड जो है उसकी क्वांटिटी 640 लीटर है. वो हमारे पास 640 लीटर है. और जो रिजल्टिंग मिक्स, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है वो 4% मोर देन होना चाहिए और 6% जो है वो लेस देन होना चाहिए. कई सारे परसेंटेज के बारे में बात की जा रही है. तो चलो पहले तो जो उसने पूछा है वो हम लेट कर लेते हैं. लेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ 2% बोरिक एसिड इक्वल टू एक्स लीटर. ये हमने लेट कर लिया जो इसने क्वेश्चन लास्ट में पूछा है ना, हाउ मैनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड. तो हमने ये कहा कि भाई एक्स लीटर को ऐड कर देंगे इसके साथ. अब हमारे पास जो था वो क्या क्या था, एक तो एक्स लीटर हो गया, दूसरा हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा. पहले हमारे पास ये 640 लीटर तो था ही, उसी 8% में जब हम 2% वाला ऐड करेंगे तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो क्या बन जाएगा. तो लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू क्या बन जाएगी, पहले तो 640 था ही और अब ये x और आ गया तो 640 प्लस x लीटर बन जाएगा. पहले 8% तो था ही हमारे पास ये 640 लीटर, और उसमें उसने कहा है कि एक सोल्यूशन जो है वो 8% बोरिक एसिड वाला है, उसमें 2% वाला कितना ऐड किया जाए. तो हमने मान लिया कि वो x लेट किया जाए, तो 640 तो पहले से ही था और उसमें x और लेट कर लिया तो 640 प्लस x हो गया मिक्सचर जो हमारे पास है. अब जो उन्होंने कंडीशन गिवन की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने जो बोला है वो क्या बोला है कि 4% जो है हम क्या क्या ऐड करने जा रहे हैं, 8% बोरिक एसिड है, 8% ऑफ 640 लीटर है प्लस 2% ऑफ x है. और ये जो बना हुआ है ये हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए, 4% से ज़्यादा होना चाहिए. रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ टू हैव मोर देन 4%, 4% से ज़्यादा होना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर. और रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ किसका बना हुआ है,
जो ये बना है मिक्सचर वो कितना बना है 640 प्लस एक्स, ये लाइन हमें समझ में आनी चाहिए। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो फिर दूसरी अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास 8% बोरिक एसिड था, उसको डाइल्यूट कराना था हमको, तो डाइल्यूट कराने के लिए हमने 2% वाला जो है वो एसिड ऐड कर दिया बोरिक एसिड। तो जो मिक्सचर था पहले 640 था, 2% वाला एक्स और ऐड किया तो 640 प्लस एक्स मिक्सचर बन गया हमारे पास। अब इन्होंने जो कहा है कि अ सोल्यूशन ऑफ 8% ऑफ बोरिक एसिड इज टू बी एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट, द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है, ये जो LHS में लिखा है 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स, वो जो है द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी हैव मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है वो हमारा 640 प्लस एक्स के 4% से ज़्यादा होना चाहिए। हमने क्या किया था, 8% जो है वो बोरिक एसिड 640 लीटर वाला था, 2% एक्स वाला था, उन दोनों का सम किया और उसकी वैल्यू 4% से ज़्यादा होनी चाहिए इसके मिक्सचर से। दूसरा उसने क्या बोला है, सेम यही लाइन बोली है कि 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। तो ये दो लाइनों से ही हमें एक्स का जो इंटरवल है वो हमें मिल जाएगा। पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 8% का मतलब 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स। तो पहली बात तो 100 को कट कर देते हैं, फिर दूसरी चीज 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो 4 इंटू 640 आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा ये ग्रेटर देन, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 640 और प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आ रही वैल्यू, मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यूज आ रही हैं ये। सर 1360 एक्स की वैल्यू आ रही है। यस सर, मतलब 1360 बड़ा एक्स है, एक्स लेस देन 1360। चलो यस सर, 400 4 6 24 4 6 24 25 26। बल्कि ये तो ऐसे भी कर सकते थे इसको कि ये 4 टाइम्स में से 2 टाइम चला जाएगा तो 2 टाइम्स ही तो बचने वाला है भाई, ये 2 टाइम्स एक्स है, 1280 आएगा। हाँ तो ये तो सीधे सीधे 1280 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा ना कि 4 टाइम्स 640 है। यस सर, यस सर, 1280 1280 ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। और दूसरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये दूसरा वाला पार्ट है, ये इसमें क्या हो जाएगा, 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स, इसको भी सॉल्व करो। तो 100 पहले कट कर दो यहाँ से और 2 कट करा दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 इंटू 640 प्लस एक्स 3 इंटू 640 प्लस 3x, तो 640 आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये,
640 लेस देन 2x, साफ साफ दिख रहा है कि 3 टाइम्स में से 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स तो चला ही जाएगा, तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 320। तो एक हमारे पास ये आ गया और एक हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, मतलब मर्ज करा देते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 320 से बड़ी होनी चाहिए और 1280 से छोटा होना चाहिए। तो 320 से बड़ा और 1280 से छोटा। तो अगर हम आंसर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जो 2% बोरिक एसिड है वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2% ऑफ बोरिक एसिड lies between 320 लीटर एंड 1280 लीटर, इन दोनों के बीच में जब होगा तब हमारा ये जो आंसर आएगा वो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, यहाँ तक बताओ। हेलो सर। तो एक क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो सेम इसी टाइप का ही है और ये तुम ही लोगों को करना है, जल्दी से देखते हैं और आंसर बताओ फिर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक के आने के चांसेस हमेशा रहेंगे, 90% चांसेस रहते हैं इनके। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मैनी लीटर ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट्स इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। ये हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, उसके पास इतना था और वो पूछ रहा है कि कितना और ऐड कर दें 30% वाला, तो हम एक्स लेट कर लेंगे, तो टोटल जो वॉल्यूम बन जाएगा वो 600 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसमें इतनी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग भी नहीं है, सीधे सीधे कह रहा कौन किससे ग्रेटर होने वाला है और कौन किससे लेस होने वाला है, ये उससे ज़्यादा ईजी है।
सर 120 लीटर और 300 लीटर के बीच में। बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही, गुड। तो लेट कर लिया हमने, बाकी लोग कर रहे हैं अभी, समझ में आ रहा है। लेट एक्स लीटर ऑफ, इस तरीके से पूरा लिख के करेंगे, 30% ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। अब ये कह रहे हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है वो पहले कितना था, 600 लीटर, तो टोटल जो है वो मिक्सचर कितना हो जाएगा, पहले 600 तो था ही, उसमें एक्स और ऐड कर दिया तो 600 प्लस एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं कि 30% तो एक्स का है और 12% किसका है, 600 का है। तो पहले लिख लेते हैं 12% जो है वो 600 का है, प्लस 30% ऑफ एक्स है, ये हमेशा 15% ऑफ मिक्सचर से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो है वो 18% से, सेम यही चीज़, 18% से कम होनी चाहिए। तो ये हो गया, और 30% ऑफ एक्स हो गया लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस एक्स। बस इसी को सॉल्व करना है, कुछ नया काम नहीं है, इन्हीं दोनों से इनइक्वालिटी मिल जाएगी, एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगे हमको कि एक्स की वैल्यू किसके किसके मिड में लाई करनी चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन 15/100 इंटू 600 प्लस एक्स। 6 से नहीं, 3 से कट हो जाएंगे, 100 पहली बात तो सब में से कट हो गया, 3 5 जा 3 10 जा और 3 4 जा, ये हो जाएगा 4 × 600 प्लस 10x ग्रेटर देन 5 × 600 प्लस 5x। तो 10 − 5 5x हो जाएगा, और 5 × 600 में 4 × 600 चला जाएगा तो 1 600 बच जाएगा, तो x कितना हो गया, ग्रेटर देन 120 हो गया। अब लेस देन और ढूंढ लेते हैं, तो दूसरे वाले को ज़रा इससे कर लेते हैं, ये ट्वेल्व परसेंट, तो 12/100 × 600 प्लस 30/100 × x 18/100 × 600 प्लस एक्स। इसको भी 3 से ही कट करें, 6 से कट हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 100 तो पूरा का पूरा कट हो गया। तो ये हो गया 2 × 600 प्लस 5x लेस देन 3 × 600 प्लस 3x। तो 5 − 2 कितना हो गया, ये 3, ये सही है ना, 6 5 जा 30 हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये 2 × 600 1200 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 5 − 2 3 2x और 3 में से 2 गया तो 600, तो x लेस देन 300। इन दोनों को जब मर्ज करा देंगे, इसको और इसको दोनों को, तो x की वैल्यू, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 120 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 300 से छोटी होनी चाहिए। दो ही क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप के। तो इसमें अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चों, बोलो कि हो गया, करेक्ट है, समझ में आ गया।
आगे बढ़े फिर। देखो एक क्वेश्चन और है, इस टाइप के क्वेश्चन हम 12th क्लास में सीखेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें आगे मिलेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं सॉल्व द इक्वेशन मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू सिक्स। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। है किसी को आइडिया कैसे करेंगे, कोई बताएगा मॉडुलस के बारे में किस तरीके से करें। सर वो जो तीनों मॉड्यूलस के अंदर है वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो मतलब उसमें से कि वो हमेशा लिख सकते हैं कि वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होंगे। तो उससे क्या होगा, इसने बोला है कि x की वो सारी वैल्यूज बताओ जिसके लिए जो है ये हमेशा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करें, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा 6 या 6 से कम आ जाए। चलो मैं बताता हूँ इस तरह क्वेश्चन कैसे अप्रोच कैसे करते हैं, फिर इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे ये दो तीन लाइन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सब में अप्लाई हो जाए। तो इसलिए पहले इसका जो बेस्ट मेथड होता है जो सब क्वेश्चन में अप्लाई होता है पहले उसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मेथड जो है बहुत इजी है, दो से तीन चार लाइन में सॉल्व होकर सीधे आंसर दे देता है। लेकिन पहले हम फर्स्ट मेथड सीखते हैं क्योंकि हम सारे क्वेश्चन में यही अप्रोच अप्लाई करने वाले हैं। देखो मॉड एक्स के बारे में सबको पता है कि मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, माइनस एक्स होती है जब एक्स लेस देन जीरो। सिमिलरली मॉड एक्स माइनस वन की जब बात होगी तो क्या होगा, मॉड हटेगा तो एक्स माइनस वन प्लस का आएगा, जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी, और माइनस का मॉड हटेगा तो माइनस का आएगा जब एक्स माइनस वन की वैल्यू लेस देन जीरो यानी एक्स लेस देन वन। तो यहाँ से बात समझ में आ गई होगी, अगर एक्स माइनस टू की बात होगी तो एक्स माइनस टू प्लस का आएगा जब एक्स टू से बड़ा होगा, और माइनस का एक्स माइनस टू आएगा जब एक्स टू से छोटा होगा। सिमिलरली थ्री के लिए भी ऐसे लिख लो, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक से ही हमको समझ में आ गई होगी सारी कहानी कि अगर एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी है तो प्लस की वैल्यू देगा और नहीं तो माइनस की वैल्यू देना है अगर थ्री से छोटी है तो। तो इनको हम क्या करते हैं, इनके क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लेते हैं, इनको सबको पहले इक्वल टू ज़ीरो करके देख लेते हैं कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। तो पहले जब इसको ज़ीरो करोगे तो यहाँ पर जब इसको ज़ीरो करोगे तो एक्स माइनस वन जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक इससे तो वन मिल जाएगी, दूसरे वाले से टू मिल जाएगी, और थर्ड वाले से क्या मिल जाएगी, थ्री। तो यानी कि जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इन इक्वेशन में वह एक्स की तीन तीन वैल्यू मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएंगी, एक तो वन मिल जाएगी, टू मिल जाएगी, थ्री मिल जाएगी। इसको नंबर लाइन में अगर हम प्लॉट करना चाहें तो ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस, सबसे बड़ा थ्री, फिर टू, फिर वन, ऐसे ही तो मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाली है हमको, कि यहाँ पर हमें नहीं पता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, तो हमें इसके लिए केसेस बनाने पड़ते हैं। केसेस कैसे बनाएंगे, कि जब एक्स की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है, जब एक्स की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है, मतलब या तो ये वन से वन है या वन से छोटी है, तो फिर क्या होगा। दूसरा हम देखेंगे कि जब x की वैल्यू इन दोनों के मिड में लाई कर रही है तो फिर क्या होगा।
फिर हम थर्ड देखेंगे कि एक्स की वैल्यू इसके इसके मिड में लाई कर रही है, तब क्या चेंजेस आ रहे हैं। और फोर्थ हम देखेंगे कि जब एक्स की वैल्यू इन दोनों के मिड में लाई कर रही है तब क्या चेंजेस आएंगे। तो इसका मतलब जब तीन पार्ट में ब्रेक किया है तो उसके चार केस बनने वाले हैं, 1, 2, 3 और एक ये 4, चार केसेस बनेंगे इसके, और उन चारों को फिर हमें कंबाइंड करके फाइनल आंसर देना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन 12th में मिलेंगे फंक्शन चैप्टर में, लेकिन अभी एक केवल ये दिखाने के लिए है कि ऐसा भी होता है, ताकि हमें कुछ आइडिया रहे आगे भी। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, केस फर्स्ट, जब x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है या 1 के इक्वल भी है तब भी चलेगा, 1 या 1 से कम है, तो यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक की बात हो रही है। हम चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एक्स लेस देन 1 का मतलब ही यही हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। तो अब बताओ माइनस इन्फिनिटी से 1 में, हम क्वेश्चन यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर फिर नोट कर लिया, ऊपर दिख नहीं रहा था। तो आप जरा बताओ, जब मॉड यहाँ से हटेगा तो पहले वाले से जब हटेगा, यहाँ पर जब इस फर्स्ट वाले से मॉड हटेगा तो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, जब एक्स की वैल्यू 1 से कम है। जब मॉड हटेगा तो एक्स माइनस 1 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, कैसे पता चलेगा ये कि एक्स माइनस 1 में मॉड हटाएं तो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, एक्स माइनस 2 में मॉड हटेगा तो प्लस का आएगा कि माइनस का, 3 में मॉड हटेगा तो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, कैसे पता चलेगा ये। तो देखो ऐसे पता चलेगा, यहाँ ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले इसको देखो, इस वाले पार्ट को जो ये वाला है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस का हो जाता है जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और माइनस का हो जाता है जब एक्स की वैल्यू 1 से कम हो। तो केस फर्स्ट में क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से कम है, ये लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू 1 से कम है। तो एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम के लिए हमारा ये है, तो 1 से कम के लिए जब मॉड हटेगा तो मॉड प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के साथ खुलेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि माइनस के साथ, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 हो जाएगा माइनस का। अब x की वैल्यू 1 से कम है तो x माइनस 2 वाले को देखो, तो x माइनस 2 का जब मॉडुलस ओपन होता है तो वो तो 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ तो 1 से कम है, लेकिन ये कह रहा है कि जब 2 हो, 2 से बड़ा हो तो प्लस के साथ, और 2 से कम हो तो माइनस के साथ। तो यहाँ मॉड हटेगा तो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा हमको कि ये तो 1 से कम है, जबकि यहाँ 2 से कम के बारे में कह रहा है तो माइनस। इसी तरह मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 जो है वो भी माइनस के साथ ही ओपन होने वाला है। ये बात किसको हजम नहीं हो रही बताओ, क्लियर है ये? सर एक बार फिर से ऐसा हम समझ लेते हैं। देखो अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें देसी स्टाइल में तो कैसे समझेंगे, देखो एक्स माइनस 1 है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा समझो इस तरीके से कि x की वैल्यू हम 1 से कम डाल रहे हैं, जब हम x की वैल्यू 1 से कम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो जो ये रिजल्टेंट आएगा वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, कोई अपने दिमाग में सोचो। x से कम कोई एक वैल्यू ले लो, 1 से कम 0.09.9। सर मॉड में होगा, सर मॉड में होगा तो या फिर नहीं, छोड़ देते हैं मॉड को, भूल जाते हैं, अभी हम सिर्फ अंदर वाले की बात कर रहे हैं। नेगेटिव x की वैल्यू 1 से कम है, और 1 से कम में अगर 1 को माइनस करोगे तो वैल्यू माइनस की आएगी कि प्लस की आएगी? सर माइनस। हाँ बिल्कुल, माइनस की आएगी ना, तो इसीलिए यहाँ बाहर जो है वो माइनस आ गया, मॉड हट गया, माइनस आ गया। बात समझ में आ रहा है? सर अपना कम क्यों रखा, सर अपना कम क्यों रखा उधर? सर ये यहाँ पे केस फर्स्ट हम यही ले रहे हैं ना कि एक्स की वैल्यू 1 से कम है, अभी हम लेंगे एक्स की वैल्यू 1 से 2 के मिड में है। अच्छा ओके, हम पहला केस ले रहे हैं अपने मन से, हमें चार केस में ब्रेक करना है जब x की वैल्यू 1 से कम है तब के लिए। तो अब बात समझ में आ गई, जैसे मान लो x माइनस 2 है, अब x की वैल्यू 1 से कम कोई रखोगे, 1 से कम में 2 को माइनस करोगे, 1 से कम में 2 को माइनस कर रहे हो तो वैल्यू निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव, तो नेगेटिव से खुल रहा है। अब बात समझ में आ रही कि नहीं, कि जब भी कभी x की वैल्यू 1 से कम ले रहे हैं तो हम रख के देख लेते हैं यहाँ पर कि वैल्यू अंदर वाली जो वैल्यू है मॉड के अंदर वाली वैल्यू वो अगर नेगेटिव आ रही है तो बाहर माइनस लगा के रख दो,
अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही, अगर हम यहाँ पर कह देते कि एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो मॉड यहाँ पर अगर ओपन करते, यहाँ पर अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू रखते, तो ये मॉड के अंदर की वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती कि नेगेटिव आती? तब पॉजिटिव आती, तो पॉजिटिव आती तो फिर मॉड के अंदर जब मॉड हटाते तो प्लस का ले लेते, बस यही कहानी होती है। और अगर हम इस तरीके से समझ में आ, इस वैसे तो हमें इसी तरीके से समझना है, लेकिन जो ऊपर हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है ये मॉड के बारे में, वहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 से कम है, ये चिल्ला के कह रहा है, ये देखो इसको, कि एक्स की वैल्यू अगर 1 से कम है तो मॉड अगर हटता है तो माइनस का देता है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 देता है। 1 से कम के लिए कौन सा होगा, यही वाला फंक्शन तो होगा मॉड के लिए, 1 से कम के लिए यही होगा, 1 से कम में मॉड हटता है तो माइनस का दे रहा है, ये भी 3 या 3 से कम के लिए है तो यहाँ भी माइनस दे रहा है, इसलिए तीनों को हमने माइनस ले लिया। और अगर हमको नहीं समझ में आता तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हमने यहाँ 1 से कोई कम रखी और देखा नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव लगा के मॉड हटा दिया, पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव लगा के मॉड हटा दी, ठीक है ना। अब देखो इन तीनों, अब हम अपने क्वेश्चन में ये वैल्यू रखने जा रहा है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 6, जरा रखो यहाँ पे, तो माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 6, तो माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 6, तो माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 6, तो माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x लेस देन की x ग्रेटर देन आ जाएगा, माइनस भी है साथ में, 0 से डिवाइड, 3 से डिवाइड तो करोगे लेकिन साथ में माइनस से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब जरा देखो हमने क्या केस लिया था, हमने एक केस लिया था कि लेस देन और इक्वल टू 1 और एक कह रहा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और एक कह रहा है 1 से कम होना चाहिए, एक कह रहा है कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, और एक कह रहा 1 या 1 से कम होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में। तो कॉमन सोल्यूशन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला क्वार्ट कॉमन आ रहा ना, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, इनका जो फाइनल यूनियन आएगा या इनका दोनों का सॉरी इंटरसेक्शन आएगा वो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाली है। तुम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ रख के देखोगे तो वो हमेशा 6 या 6 से छोटा आने वाला है। तो केस फर्स्ट तो हमारा ये हो गया, उसके बाद केस सेकंड क्या है, 1 से 2 के मिड में है, केस सेकंड देख लेते हैं क्या है। अब जरा देखो केस सेकंड से थोड़ा सा आइडिया होने लगेगा, एक्स की वैल्यू 1 से 2 के मिड में है, एक्स की वैल्यू 1 से 2 के मिड में है, 1 से 2 के मिड में है, तो आप जरा बताओ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 क्या आएगा और मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 क्या आएगा, पहला क्या आएगा प्लस की माइनस के साथ। सर हमने एक्स इक्वल टू 1 को पहले वाले में ले लिया तो इसमें लेना जरूरी है, ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं वैसे क्योंकि हम यहाँ इक्वालिटी अच्छा इधर ले चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 1 देखो इक्वल टू 1 दोनों में सेटिस्फाई करेगा, जब 1 रखोगे यहाँ पर तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1 और 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, चलो ये हटा दिया ये लो। अब बताओ चलो x ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया, अब बताओ यहाँ पर क्या ले ले, एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच का कोई नंबर यहाँ रख के देखो, पहला तो पॉजिटिव है हो गया, दूसरा अरे 2 से छोटा नंबर है, अगर उसमें 2 रखोगे 2 कम करोगे तो पक्की बात है माइनस का आएगा और ये भी माइनस का ही आने वाला है, नहीं समझ में आ रहा देख के साफ साफ, सीधी सीधी सी बात हो रही। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसको नोट कर लेते हैं,
और उसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो पहले वाले का प्लस के साथ ओपन हुआ है, अब दूसरे को मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस टू और माइनस एक्स प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू सिक्स, तो एक्स और एक्स तो कट जाएंगे, तो माइनस एक्स थ्री और टू फाइव, माइनस वन फोर आ जाएगा सिक्स, तो ये माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू टू, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है कि एक्स की वैल्यू टू से माइनस टू से बड़ी होनी चाहिए और एक वन से टू के मिड में होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक तो वन से टू के मिड में होनी चाहिए और एक कह रहा माइनस टू से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस टू से बड़ा ये और एक वन से टू के मिड में ये हो गया, तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन तो यही आया ना जो वन से टू के मिड में है, तो इसका जो रिजल्ट आंसर आ जाएगा, इसका जो कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू, और यहाँ पर भी चाहो तो ओपन ओपन क्लोज कुछ भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो ओपन ही लगा दो जब यहाँ ओपन लिया है, क्योंकि इक्वालिटी में यहाँ वन तो ले ही चुके हो, यहाँ भी इक्वल में वन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम सोचे कि एक में ले लिया तो दूसरे में क्यों, क्योंकि हम ये केस ही दूसरा ले रहे हैं जब वन से टू के मिड में ले रहे हैं, तो चलो अभी हटा देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा वन से टू के मिड में। ओके अब आ जाते हैं आगे, केस थर्ड कौन सा था, जब वन से जीरो से वन हो गया, वन से टू हो गया, अब जरा टू से थ्री ले लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू टू से थ्री के मिड में है तो क्या होने वाला है, तो अब बताओ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड हटेगा तो क्या आएगा, ये टू क्या आएगा और थ्री क्या आएगा, तो एक्स की वैल्यू टू से थ्री के बीच का कोई नंबर यहाँ रखोगे, उससे वन हटाओगे तो प्लस के साथ ओपन होगा, टू से बड़ा नंबर को टू से माइनस कर रहे हो तब भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस दे देगा वो, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन सिक्स, तो ये हो गया एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस थ्री सिक्स, एक्स और एक्स कट हो गया तो एक्स माइनस, अच्छा ये टू और वन थ्री और ये थ्री भी कट हो गया, एक्स लेस देन और इक्वल टू सिक्स आ गया ये, तो अब इन दोनों का जरा कॉमन सोल्यूशन बताओ कि एक्स टू से थ्री के बीच में होना चाहिए और सिक्स से कम होना चाहिए, तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 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 क्लोज्ड इंटरवल में थ्री, तो एक्स की वैल्यू वन से टू हो गई, टू से थ्री हो गई, वन से टू आ गया और टू से थ्री भी हो गया, अब जरा केस फोर ले लेते हैं एक और, अब कौन सा केस बचा, जब एक्स की वैल्यू जो है वो थ्री से बड़ी होगी, तब केस फोर जो है हमारे पास वो एक्स ग्रेटर देन थ्री हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन थ्री के लिए मॉडुलस जब तीनों का ओपन होगा तो क्या आएगा, प्लस के साथ आएगा, पहला वाला भी प्लस के साथ ओपन होगा, दूसरा वाला भी प्लस के साथ ओपन होगा और थर्ड वाला भी प्लस के साथ ही ओपन होने वाला है, तो अब यहाँ पर रख दो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू सिक्स, तो थ्री एक्स माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल टू सिक्स, तो थ्री एक्स लेस देन ट्वेल्व, तो x लेस देन और इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी हो और फोर से छोटी हो, तो यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो x लाइज बिटवीन थ्री टू फोर क्लोज्ड हो जाएगा, तो अब जरा इनका सबका इंटरसेक्शन बता दो क्या आने वाला है, इन सबका अब हमें सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, अब इनका सबका क्या लेंगे, मैंने पहले ही बात की थी ना कि ये अलग अलग इंटरसेक्शन ही हमने लिए हुए हैं, अब इन सब यूनियन लेंगे, तो हमारा पहला आंसर आया था जीरो से वन, फिर आया वन से टू, फिर आया टू से थ्री और फिर आया थ्री से फोर, तो आंसर हमारा आया एक्स बिलोंग्स टू, पहला हमारा कहाँ से कहाँ तक आया था, जीरो से वन, यही था ना पहला, जीरो से वन, पहला हमारा था जीरो से वन, फिर आया था वन से टू, वन पे ओपन, तो जब यहीं से ले लिया तो यहाँ पर भी वन से ओपन बोलो या क्लोज बोलो तो वन तो इंक्लूडेड हो ही गया, तो वन से टू पे और फिर टू से थ्री पर और फिर थ्री से, अच्छा यहाँ यूनियन लगा देते हैं, प्लस साइन थोड़ा अजीब लगेगा,
यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यूनियन, प्लस नहीं लगाएंगे, नहीं तो कहो प्लस कर देंगे फिर तो। तो ये यूनियन हो गया, ये यूनियन हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, थ्री से लेकर फोर तक। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो टू फोर, जीरो टू फोर, फोर के बीच में कोई भी नंबर तुम यहाँ रखोगे तो ये हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। अब इसका मैं कह रहा था एक मेथड और बताना था मुझे, वो बहुत इजी, उसको भी देख लेते हैं, दो मिनट का काम है। सेकंड मेथड में क्या, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसी का यूज करेंगे, अभी सॉल्व हो जाएगा ये। हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, याद होगी सभी को, मॉडुलस में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी थी, कि जो अलग अलग मॉडुलस होते हैं उनका सम जो होता है वो कॉमन मॉडुलस से बड़ा होता है। तो अगर ये तीन नंबर हो, x, y, z तीन नंबर हो, तो तीनों में भी यही काम सेटिस्फाइड हो जाएगा। चार हो, n तक के लिए हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ था, और यहाँ भी इस चैप्टर में भी ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं इसमें, देखना कैसे यूज़ होगा और कितना ईजी कैलकुलेशन। तो हमें यही यूज़ करना आना चाहिए कि हम कब कौन सा क्वेश्चन यूज़ करें और उससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। इससे देखो कितना छोटा होने वाला, जबकि वहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया। तो यहाँ पर कह रहा है x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, तो इनका जो मॉडुलस अलग अलग मॉडुलस है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री जो है वो ग्रेटर देन होगा x माइनस वन, इनके सारे के मॉडुलस के सम के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबका मॉडुलस का सम x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। क्या ऐसे लिखा जा सकता था इसको, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये वाली प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर यही अप्लाई की है कि तीनों का जो सम है वो उनके मॉडुलस से जो है वो ग्रेटर देन है, और इस पूरे पार्ट की वैल्यू जो है वो सिक्स से बड़ी है, इस पूरे पार्ट की वैल्यू जो है वो सिक्स से छोटी है, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू उसने कहा है कि ये सिक्स से छोटी है। तो आप जरा बताओ, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वैल्यू जो है वो सिक्स से छोटी है, तो ये वाली वैल्यू के बारे में क्या होगा, इसका सम कितना आने वाला है, ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस सिक्स, और इधर तो ये सेम है ही है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री, ये वैल्यू सिक्स से कम है, तो ये वैल्यू जो है इससे बड़ी ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मॉडुलस ऑफ थ्री एक्स माइनस सिक्स जो है वो भी तो सिक्स से कम ही होना चाहिए ना, क्योंकि जब ये वाली वैल्यू इससे कम है और इससे बड़ा ये है, तो ये भी सिक्स से कम है, तो ये जो वैल्यू है मॉड, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, मॉड एक्स अगर लेस देन ए होता है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के मिड में हो जाती है, तो थ्री एक्स माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स से लेकर प्लस सिक्स के मिड में, तो थ्री एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, और इधर पर सिक्स प्लस सिक्स, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से जीरो से थ्री एक्स की वैल्यू ट्वेल्व के मिड में, तो यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो टू फोर। तो यही हमारा पहले से भी देखो आंसर इतनी मेहनत से आया था, प्रॉपर्टी लगाने के बाद इजीली सॉल्व हो गया। पर इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमको नहीं मिलेंगे, हम ट्वेल्थ क्लास में फंक्शन चैप्टर में करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे, अभी नहीं मिलने वाले ये। लेकिन आइडिया हो गया हमको कि मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे उन पर हम इनको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर, नो सर। ओके, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। अच्छा, इस चैप्टर को जरूर कंप्लीट करें, अब टाइम निकाल के, लीनियर इनक्वालिटीज इम्पॉर्टेंट है अपने 11th क्लास के लिए, तो इसलिए जितना भी एनसीईआरटी में है उसको कंप्लीट करें, और जो डाउट्स हैं फिर मुझे बताएं उसको। ठीक है, ओके सर, ओके सर, बाय सर, थैंक यू 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 सर, बाय। Thank you, sir. Bye.